क्वेश्चन नंबर वन, क्लास फिफ्थ सैंपल पेपर है ये, सिल्वर जोन ओलंपियाड के। चलिए इसके सैंपल पेपर देखते हैं। पहला है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। शिमला इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इन 1864 शिमला वाज डिक्लेयर द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। 1864 में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, शिमला इज ऑफन रिफर्ड टू एज द क्वींस ऑफ हिल्स। पहाड़ियों की रानी के रूप में एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल शिमला का उल्लेख अक्सर किया जाता है। इट इज लोकेटेड द नॉर्थ वेस्ट हिमालय एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2,128 meters (6,892 feet). यह उत्तर पश्चिम में 2,128 meters या 6,982 feet की ऊंचाई पर स्थित है। द सिटी ऑफ शिमला इज ट्रैप्ड इन फॉरेस्ट ऑफ पाइन, रोडेडोन एंड ओक। शहर शिमला देवदार, रोडोडेडोन और ओक के जंगलों से घिरा हुआ है। इट एक्सपीरियंस प्लीजेंट समर एंड कोल्ड स्नोइंग विंटर्स। यहाँ सुखद ग्रीष्मकालीन और ठंडी बर्फीली सदियों का अनुभव होता है। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स बिल्डिंग स्टाइल इन ट्यूडो बेहन एंड नियो गॉटिक आर्किटेक्चर। यह शहर ट्यूडोर बेथन शैली में बनी अपनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है और न्यू गैथलिक आर्किटेक्चर्स रिमिनिस्टेंस ऑफ द कॉलोनियल इरा और नौ गार्थिक वास्तुकला औपनिवेशिक युग की याद दिलाती है। शिमला इज ऑल्सो नोन एज द प्रेस्टीजियस बिशॉप कॉटन स्कूल विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन एशिया। शिमला को प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल के लिए भी जाना जाता है जो एशिया के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। अब इस कॉम्प्रिहेंशन से ही नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका हमें जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन वाज शिमला डिक्लेयर समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। कौन से साल में शिमला को ब्रिटिश राज इन इंडिया का कैपिटल घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1984। क्वेश्चन नंबर टू, विच सिटी इज रिफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ हिल्स। इनमें से कौन सी सिटी को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। ए शिमला, बी श्रीनगर, सी देहरादून या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शिमला। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। अभी मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड इंग्लिश के सिलेबस एंड सैंपल पेपर क्लास फिफ्थ के लेकर आई हूँ। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इसके हम सिलेबस देख लेते हैं। क्लास फिफ्थ के मैंने कंप्यूटर के भी सैंपल पेपर डाले हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। यूनिट में हमारा हो जाता है करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, जिसके अंतर्गत है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, डिटरमाइन, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस एंड एरर फाइंडिंग। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 10 रहते हैं एंड मार्क्स 3 रहते हैं। वोकैबुलरी नॉलेज में जंबल वर्ड, साइनोमियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग टेस्ट, जिससे 8 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स रहते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से 3 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। नेक्स्ट हो जाता है राइटिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी, जिसमें आ जाते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, जंबल सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वॉइस। इनसे 4 क्वेश्चन रहते हैं, पर मार्क्स 3 रहते हैं। एक्सीलेंस जोन, जो कि ऊपर के सिलेबस है, उसी से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, जिससे 5 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स 5। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन 30 रहते हैं और टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रहते हैं।
और इसका टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, डायरेक्शन इन क्वेश्चन थ्री, फाइंड द वन वर्ड सब सिचुएशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। इसमें कौन सा वन वर्ड कहा जाएगा? अ पर्सन हु लव्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ रहना पसंद करता है। ए ग्रीगेरियस, बी इंट्रोवर्ट, सी एक्सट्रोवर्ट या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीगेरियस। क्वेश्चन नंबर फोर, डायरेक्शन क्वेश्चन फोर, और सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स एज पी क्यू आर एस। रीअरेंज द पार्ट ऑफ ए फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सेंटेंस को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस में इसे हमें कन्वर्ट करना है। ही इज एवरी थिंग केयरलेस डूइंग। चलिए इसको हमने इस तरह बना के रखा है, चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा ही इज केयरलेस इन डूइंग एवरी थिंग। ही इज केयरलेस इन डूइंग एवरी थिंग। तो करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव इज बेस्ड ऑन नाउन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। इसमें हमें नाउन के काइंड्स को पहचानना है, किस प्रकार के नाउन है। कंपेशन, कंपेशन मीन्स करुणा। ए प्रॉपर नाउन, बी कॉमन नाउन, सी कलेक्टिव नाउन या डी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसी भी भाव को अच्छे से पहचान पाते हैं। करुणा मतलब एक भाव है, उसके प्रति करुणा है, इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो करुणा इज द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, डायरेक्शन क्वेश्चन सिक्स इज द बेस्ट ऑन वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। इसमें हमें करेक्ट वर्ब भरना है। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। हे डाई, बी डेड, सी हैज डेड, डी हैड डेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैड डेड। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन, डायरेक्शन इन क्वेश्चन सेवन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें सुटेबल प्रीपोजिशन सेंटेंस के हिसाब से बताना है। आई रिसीव एन इन्विटेशन डैट डिनर। ए विथ, बी फ्रॉम, सी फॉर, डी एट। आई रिसीव एन इन्विटेशन फॉर डिनर, मुझे रात के खाने के लिए निमंत्रण मिला। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट, इन क्वेश्चन एट, चेंज डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट वंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। ही सेड टू मी, हैज योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम पेरिस। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हारा भाई पेरिस से लौट आया है। ए ही आस्क्ड मी इफ माई ब्रदर हैड रिटर्न फ्रॉम पेरिस। बी ही हैड टू मी डैट माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम पेरिस। सी ही टोल्ड मी डैट हिज ब्रदर हैड रिटर्न फ्रॉम पेरिस। या डी ही आस्क्ड मी इफ माई ब्रदर हैड रिटर्न फ्रॉम पेरिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ही आस्क्ड मी इफ माई ब्रदर हैड रिटर्न फ्रॉम पेरिस। क्वेश्चन नंबर नाइन, डायरेक्शन आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस फॉर गिवन सेंटेंसेस। इसमें हमें सेंटेंस के आधार पे कौन सा टेंस है ये हमें बताना है। द फर्स्ट मैच वार टूर्नामेंट हैड बीन वॉन बाय इंडिया। टूर्नामेंट का पहला मैच भारत जीता था। ए सिंपल पास्ट, बी पास्ट कॉन्टिन्यूस, सी पास्ट परफेक्ट या डी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन,
इंटरनेशनल ओलंपियाड है ये, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर द मीनिंगफुल कॉम्प्रीहेंशन। ये मीनिंगफुल कॉम्प्रीहेंशन इसके साथ हमें फिलअप करना है। द स्टडी ऑफ दिस टू प्ले कालिदास एंड शकुंतला एंड शेक्सपियर ओथिलो रिवेल ऑफ देयर आर मोर सिमिलरिटीज। तो हमारे पास प्ले है कालिदास शकुंतला एंड शेक्सपियर ओथिलो, जिसमें दो डिफरेंट सिमिलरिटीज है, इसी से रिलेटेड इस कहानी को पढ़ के इसको हमें फिलअप करना है। तो ये आप पूरा पढ़ेंगे और हमें करके बताएंगे। चलिए ये आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिल्वर जोन ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चंस के सैंपल पेपर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।